तो हेलो महाराज, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास है बोट के रॉकर्स 330 प्रो ब्लूटूथ नेक बैंड, जो कि लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर लाइक 2021 में लॉन्च हुए थे, एंड जो प्राइस था इनका वो था 1500 रुपीज़। तो ये ईयरबड्स आज हम क्यों लेके आए हैं, तो मैं इनका जो एक्चुअल बैटरी लाइफ और बैटरी बैकअप है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको मार्केट में आए हुए हैं। जिन जिन लोगों के पास ये हेडफोन्स हैं या नेकबैंड हैं, वो मे बी कंसर्न होगी कि एक्चुअली 60 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, एंड जो लोग लेना चाहते हैं उनके मन में भी ये डाउट हो सकता है। तो चलिए गाइस, आज इसकी रियलिटी चेक करते हैं एंड जानते हैं कि कितना एक्चुअल में आपको बैटरी बैकअप इनसे मिलता है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं YouTube चैनल रजिस्टेक, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो गाइज, जब लॉन्च हुए थे 1499 रुपये इनका प्राइस था, एंड 333 एंड 330 प्रो, लाइक 333 प्रो एंड 330 प्रो दोनों एक साथ लॉन्च हुए थे। डिफरेंस बस नेक बैंड का था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। जो मेनली ये पीछे वाला सेक्शन वो डिफरेंस था, एंड दोनों 60 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको ऑफर करते थे। तो यहाँ पे जब हमने इसको टेस्ट किया लाइक डे टू डे लाइफ में, एंड फाइंड आउट हुआ कि एक्चुअली 60 आवर्स का बैटरी बैकअप नहीं है अगर आप इसको लाइक रेगुलरली यूज़ करते हैं। हमने इसको लाइक सिर्फ एक बार चार्ज किया, एंड जो डे बाय डे है इसका बैटरी बैकअप वो हम नोट करते गए, एंड जो फाइंड आउट हुआ वो अराउंड लाइक 45 आवर्स to 48 आवर्स का बैटरी बैकअप हमें इससे ओवरऑल मिला है। कंडीशन क्या थी, हमने म्यूज़िक कभी फुल वॉल्यूम पे भी सुना, कभी मिनिमम वॉल्यूम पे भी सुना, एंड इवन फॉर गेमिंग, फॉर कॉलिंग, एवरीथिंग हमने टेस्ट आउट की इन पे, एंड 45 and 48 hours के बिटवीन जो बैटरी बैकअप है वो हमें रिसीव हुआ। ये ईयरफोन्स आपके बीस्ट मोड के साथ आते हैं, आपको डेडिकेटेड बीस्ट मोड मिल जाते हैं इनके साथ, जो कि आप अगर यूज़ करेंगे तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली ज़्यादा ड्रेन होने वाला है। इवन मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा ड्रेन होता है इन ईयरबड्स में, इन नेक बैंड में। बट गाइज, एक चीज़ मैं बोलूँगा, ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं, वेरी वेल बिल्ट हैं, तो वो मुझे इनमें एक प्लस पॉइंट लगा। एंड अगेन, एक चीज़ यहाँ पे बोट हर बार मिस आउट करता है, वो है इसका लाइक कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट वाला फंक्शन, लाइक कनेक्ट योर ईयरबड्स एंड डिसकनेक्ट फ्रॉम ब्लूटूथ। तो वो चीज़ बोट जो है कभी भी किसी भी ईयरफोन्स में फॉलो नहीं करता है, बट ओप्पो, रियलमी, डीजो ये चीज़ फॉलो करते हैं, इवन वन प्लस। तो वो चीज़ काफ़ी बेटर होती है जब आप ईयरफोन्स यूज़ नहीं कर, नेकबैंड यूज़ नहीं करते, देन डेफिनेटली इसको अटैच कीजिए, क्योंकि अटैच मोड में आप इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड देन वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बट ये चीज़ बोट के हर रॉकर्स में मिसिंग है, तो ये एक डेफिनेटली कंप्लेन है। अदर देन दैट गाइज, ये बोलते हैं आपको 10 मिनट में आपको 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, लाइक जस्ट 10 मिनट ऑफ चार्जिंग एंड 20 आवर्स का बैटरी बैकअप आप इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, वो लाइक कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। 10 मिनट में हाँ, 12-14 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आपको फास्ट चार्जर यूज़ करना होगा इनको चार्ज करने के लिए। तो वो अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा 12-14 घंटे का, एंड 12-14 घंटे 10 मिनट की चार्जिंग में काफ़ी अमेजिंग थिंग है, एंड काफ़ी प्लस पॉइंट यहाँ पे ईयरबड्स के लिए, नेकबैंड के लिए लेके आता है। तो कंप्लीट चार्जिंग टाइम इन नेकबैंड का है करीबन 1 घंटे से 1 घंटा 30 मिनट डिपेंडिंग ऑन चार्जर, एंड जो रिकमेंडेड चार्जर है ब्रांड की ओर से वो है आपका 5 वोल्ट चार्जर। आइदर आप 5 वोल्ट का चार्ज यूज़ कीजिए और आप 10 वोल्ट का चार्ज यूज़ कीजिए, बट अभी काफ़ी बड़े बड़े चार्जर आए, लाइक इवन रिसेंटली अभी ओप्पो का 240 वोल्ट का चार्जर आया है, तो चार्जर की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा 5-10 वोल्ट का नहीं है, देन आप अप टू 30-33 वोल्ट का चार्जर यूज़ कर सकते हैं, बैटरी कुछ दिन तक, कुछ हद तक सेव रहेगी। एल्स अगर आप एक काफ़ी हैवी वोल्ट का चार्जर यूज़ करेंगे देन बैटरी पे डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आपके ईयरबड्स यूज़ आप नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम के लिए। तो गाइज, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स नेकबैंड ये हैं बोट रॉकर्स 330 प्रो। आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास ये हैं आपको कितना बैटरी बैकअप मिलता है, कितनी देर में आप चार्ज कर पाते हैं आपके नेकबैंड। तो मेरे ओर से बस इतना ही गाइज, एंड
अगर आपका कोई भी सवाल है मन में इन नेकबैंड के रिलेटेड या और कोई नेकबैंड के रिलेटेड, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।